हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी। मैं हूं आप लोगों का दोस्त प्रणव। तो यहाँ पे 30,000 के अंदर बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन कौन सा है। यहाँ पे आईफोन का बात नहीं करूंगा, वो 64 GB वाला आईफोन 11 होगा, उसका बात मैं नहीं करने वाला हूँ। एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं आप सबको सजेस्ट भी करने वाला हूँ, भाई एंड्रॉयड 30,000 के अंदर अगर होता है तो वही बेहतर होता है, क्योंकि उसमें स्पेक्स बहुत ज़्यादा मिलता है, सब कुछ काफ़ी सेटिस्फाइंग मिलता है। और 30,000 के अंदर जितने भी सारे स्मार्टफोन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, ये सारे सीरियस स्मार्टफोन है। यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन में भाई डिमेंसिटी का चिपसेट आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्नैपड्रैगन ही देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक को छोड़ के, मीडियाटेक डिमेंसिटी बुरा है ऐसा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, पर स्नैपड्रैगन और ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा कैपेबल रिलायबल हो जाता है यहाँ पे। हाँ, अगर दो एक स्मार्टफोन में 31,000 और समथिंग ऐसा हो जाए, कार्ड आउट ऑफर लगा के ऐसा कुछ चीज़ के अंदर आप खींच सकते हो इसे। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरू करते हैं Realme GT Neo 3T। ये जो स्मार्टफोन है यहाँ पे Qualcomm Snapdragon 875G चिपसेट देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये वेरिएंट आपको 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। ये 25999999 वाला प्राइस है यहाँ पे। कार्ड ऑफर लगा के आप प्राइस को और नीचे खींच सकते हो। और ये जो चिपसेट है Qualcomm Snapdragon 875G, ये 7 नैनोमीटर वाला है। यहाँ पे मेन कैमरा आपको 64 मेगापिक्सल वाला देखने को मिल जाएगा और जो फ्रंट कैमरा होगा ये 16 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे बैटरी जो है 5000 mAh का नॉन रिमूवेबल एक बैटरी देखने को मिल जाएगा, जिसका अगर चार्जिंग की बात किया जाए तो यहाँ पे 80W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। तो मतलब 5000 mAh के साथ 80W का फास्ट चार्जिंग काफ़ी बढ़िया होता है भाई। बैटरी का अगर पॉइंट से बात किया जाए तो ये मैसिव है। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरे नंबर पे कौन सा स्मार्टफोन है? नथिंग फोन वन। नथिंग फोन वन जो है यहाँ पे मैं 8GB 128GB वाला वेरियंट का बात कर रहा हूँ। प्राइस का बात किया जाए तो ये 31999 ऐसा कुछ प्राइस दिखा रहा है। इसे कार्ड वार्ड लगा का ऐसा कुछ 5-6 हज़ार नीचे तो आप लोग खींच ही सकते हो। इसका अगर चिपसेट का बात किया जाए भाई, इसमें सब कुछ बढ़िया है, आप लोगों को नया क्या ही बताया, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बोल दे रहा हूँ ऊपर ऊपर से। यहाँ पे अगर चिपसेट का बात किया जाए तो यहाँ पे 778+5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई काफ़ी मतलब 7 सीरीज़ में अगर सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बेस्ट चिपसेट का बात किया जाए तो ये 778G+ ही है। यहाँ पे ये 5G चिपसेट है, ये काफ़ी केपेबल है, हीट नहीं करता, ऑप्टिमाइज्ड है। और अगर कैमरा मॉड्यूल की बात किया जाए तो 50+50 का दो कैमरा देखने को मिल जाएगा और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। सीरियसली अगर कहा जाए तो नथिंग फोन वन का कैमरा काफ़ी तगड़ा है भाई, एकदम सीरियस कैमरा है इसमें। और अगर इसका बैटरी बैकअप के बारे में बात किया जाए तो 4500 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई मतलब काफ़ी टाइम देर तक चल जाएगा, एक दिन नॉर्मली दे देगा, क्योंकि ये क्लीन ओएस है। यहाँ पे ज़्यादा ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिल जाता आपको, ज़्यादा अटर पटर ऐसा कुछ बैटरी खाने वाला बैटरी ड्रेन करने वाला ऐप भी नहीं देखने को मिल जाता। अभी आता है तीसरे नंबर पे है मोटरोला H20 Pro 5G। ये जो स्मार्टफोन है ना, इसे एक नंबर पे होना चाहिए था, पर एक नंबर पे जो स्मार्टफोन है वो बेसिकली मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने एक नंबर पे रखा है। वैसे आप लोग, आपको अगर एक नंबर दो नंबर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको जो कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है आप वही चूज़ कीजिएगा भाई। इसमें ना सबसे पहले अगर वेरियंट का बात किया जाए तो 128+8GB रैम एंड 128GB वाला स्टोरेज देखने को मिल जाता है। इसका भी प्राइस अभी दोपहर को, मतलब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 25 सितंबर को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी दोपहर को इसका प्राइस ड्रॉप हुआ है। पहले 35,000 ऐसा कुछ दिखा रहा था, अभी इसका जो प्राइस है ये 30999 ऐसा कुछ है, मतलब 31,000। कार्ड वार्ड लगा के आप और कम कर सकते हो, इसे अंडर 30,000 खींच सकते हो आराम से। तो इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 870 देखने को मिल जाता है। वंस अगेन 870 काफ़ी स्टेबल चिपसेट है, 888 से भी ज़्यादा स्टेबल चिपसेट है, मतलब पावर में 888 को कुछ हद तक मैच करता है और 888 से काफ़ी ज़्यादा कूल रहता है, शांत रहता है, तमीज में रहता है बेसिकली। पावर एफिशिएंसी भी चिपसेट है ये। और यहाँ पे आप लोगों को कैमरा मॉड्यूल की अगर बात किया जाए तो 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, ये सैमसंग का है। मोटोरोला का ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए अल्ट्रा रेज आता है उसका, उससे आप मेन सेंसर का मजा ले सकते हो। 108 मेगापिक्सल का रेजोल्यूशन का मजा बेसिकली ले सकते हो। यहाँ पे एक 16 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिल जाएगा और एक 8 मेगापिक्सल का। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा ना कम स्मार्टफोन में देखने को मिलता है, तो ये उनमें से एक है। यहाँ पे ज़्यादातर स्मार्टफोन में 16 मेगापिक्सल ऐसा कुछ देखने को मिलता है। यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और जो इसका मेन एक और यूजर सेलिंग पॉइंट जो है, USP जो है, ये है 144Hz का AMOLED डिस्प्ले HDR10 जो है। मतलब डिस्प्ले के मामले में ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी बढ़िया, काफ़ी तगड़ा होने वाला है, काफ़ी सीरियस होने वाला है। पर बैटरी थोड़ा सा कम है, 4500 mAh का,
4,500 एमएच का। तो फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि मोटरोला का जो यूआई होता है यहाँ पे जो काफ़ी क्लीन होता है, मतलब बैटरी ड्रेनिंग का ऐप्स बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल जाएगा आपको, गूगल का ही कुछ स्टॉक ऐप्स देखने को मिल जाता है और मोटरोला का छोटा मोटा भाई ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है ऑप्टोमाइजेशन के लिए जो काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। और इसे चार्ज करने के लिए मोटरोला का 30 वाट का एक टॉर्बो पावर ऐसा कुछ नाम से मोटरोला का आता है जिसे आप 4,500 एमएच मतलब चार्ज करने में 45 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा नहीं लगेगा आइडल कंडीशन में, 45 मिनट्स में आप कंप्लीट चार्ज कर पाओगे इस स्मार्टफोन को। और बात करते हैं चार नंबर में है आईकू नियो 6 5G 8GB एंड 128GB वेरियंट वाला का बात कर रहा हूँ। हाँ, वेरियंट अगर बढ़ाते हो तो ये 30,000 के ऊपर ऐसा कुछ चला जाता है ज़्यादातर स्मार्टफोन यहाँ पे। तो इसमें भी चिपसेट आप लोगों को 870 देखने को मिल जाएगा, तो 870 के बारे में फिर से नया कुछ ऐसा बोलने का नहीं है। 80 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ, तो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। जो स्मार्टफोन है आईकू नियो 6 ये आपको 28,000 में मिल जाएगा अमेजन पे। हाँ, फ्लिपकार्ट में ढूंढिएगा मत, फ्लिपकार्ट में मिलना मुश्किल है, मिलेगा भी नहीं, ये अमेजन पे मिलेगा। और वहाँ पे अगर कुछ कार्ड ऑफर है ये तो चेंज होता रहता है, आप लोग वहाँ पे चेक कर लीजिएगा तो ज़रूर से आपको कुछ ऑफर ऐसा कुछ मिल जाएगा। और अगर आप पुराने स्मार्टफोन के साथ एक्सचेंज करते हो, वो फ्लिपकार्ट में हो या फिर अमेजन पे हो, तो भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया डील हो जाता है, काफ़ी बढ़िया मतलब प्राइस में आप लोग इसे कवर कर सकते हो। अभी आते हैं भाई फाइनल स्मार्टफोन, जो नंबर 5 का स्मार्टफोन है, बेस्ट स्मार्टफोन है इस लिस्ट में मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग बाय मी, जो है गूगल पिक्सल 6a। इसका ये 128 एंड 6GB एक ही वेरिएंट है इंडिया में भाई गूगल पिक्सल का, ये बात मेरे को बहुत गंदा लगता है कि लेना है तो लो ये वेरिएंट वरना जान दो। तो इसमें भाई क्या बढ़िया है कि मैं इसे नंबर 1 पे रखा हूँ। सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट भाई, सालों साल सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा, 5 साल का अप्रॉक्स सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा। इसका सॉफ्टवेयर ऑप्टोमाइजेशन भाई, इसका एंड्रॉयड ना गूगल की तरफ से आता है, गूगल का घर का स्मार्टफोन है ये, इसका एंड्रॉयड अपडेट और सॉफ्टवेयर ऑप्टोमाइजेशन टॉप ऑफ द नॉच है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दूसरों का फिंगरप्रिंट से खोल रहा था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ये सब फालतू का बात है। जो स्मार्टफोन है ये अप्रॉक्स 28,000 को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में, आपको सारा कार्ड ऑफर सब कुछ लगा के। यहाँ पर आपको टेंसर का जनरेशन 1 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, ये सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ पे। गूगल पिक्सल 6P एंड नॉर्मल 6 में जो चिपसेट है, 6A में भी वही सेम चिपसेट है। प्रो वेरिएंट में जो चिपसेट मिल रहा है वो नॉन प्रो वेरिएंट में मिल रहा है आपको, तो मतलब समझ जाओ 30,000 के अंदर वो भी 28,000 में ऐसा कुछ यहाँ पे। और इसका अगर कैमरे का बात किया जाए तो मेन सेंसर जो है 12.2 मेगापिक्सल का एक है और दूसरा वाला है 12 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है। सीधा सीधा बोला जाए तो यहाँ पे गूगल पिक्सल पे मेगापिक्सल काउंट नहीं किया जाता, कैमरा का एमपी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि इसका क्लिक करने के बाद, इमेज क्लिक करने के बाद जो ऑप्टोमाइजेशन निकल के आता है ना, जिन लोगों को गूगल पिक्सल के बारे में थोड़ा सा भी पता है उन लोगों को पता है भाई क्या इमेज आता है इसका, एकदम अलग ही। तो भाई ये जो स्मार्टफोन है इसे लेने के बाद आपके अंदर का फोटोग्राफर जाग जाएगा ऐसा कुछ है। इसका बैटरी जो है ये 4410 mAh का एक बैटरी देखने को मिल जाता है, जो कि भाई इसका जो प्योर OS है तो इसके साथ मतलब कोई भी ब्लॉटवेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, काफ़ी बढ़िया चल जाता है। इसमें सिक्योरिटी के लिए आपको टाइटन M2 का चिप देखने को मिल जाएगा, ये स्पेशली सिक्योरिटी के लिए। इसके अंदर एक और डेडिकेटेड अलग से हार्डवेयर है इसका, फोटो कैमरा को ऑप्टोमाइजेशन के लिए, इमेज स्टेबलाइजेशन के लिए। अगर फोटो के लिए लेना है तो इसमें स्टिल फोटोज भाई नेक्स्ट लेवल क्लिक होता है। 50,000 के रेंज में ऐसा कोई स्मार्टफोन नहीं है कि इसे मैच कर पाए भाई, सीरियसली। हाँ, एंड्रॉयड के बात कर रहा हूँ, एप्पल के बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसका फ्रंट में जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है ये डील ब्रेकर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये 8 मेगापिक्सल है ये 16 मेगापिक्सल का इक्वल ऐसे कुछ फोटो क्लिक करता है, और ऑप्टोमाइजेशन तो अलग ही बात है। ये सेंसर भी पुराना वाला सेंसर है, लो पावर है, पुराना सेंसर है, ये है वो है, और भाई ट्रायल एंड टेस्टेड सेंसर है, तो यहाँ पे कुछ धप्पाबाजी ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया। आप अगर लेते हो तो आपका पैसा कहीं गलत जगह पे नहीं जाता है, एकदम बढ़िया खरीदते। तो दोस्त अगर ये सारा लिस्ट पसंद आया, नंबरिंग पे मत जाओ, नंबरिंग मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे शेड्यूल किया था, सजाया था, आपको कौन सा वाला स्मार्टफोन बढ़िया लगा है आप उस हिसाब से चूज़ कीजिए। और इस लिस्ट के बाहर भी अगर कुछ है तो आप रिसर्च कीजिए, क्योंकि आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो तो आपका रिसर्च करना ऐसा कुछ बनता है। और वीडियो में अगर कुछ भी हेल्पफुल लगा है, कुछ भी नया लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और किसी दोस्त को भी ऐसा 30,000 के अराउंड अंदर स्मार्टफोन लेना है तो उसे भी सजेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, और बिग बिलियन के अंदर लेना, आप जाके वो कार्ड ऑफर्स जो है वो अप्लाई कर पाओ। तो बस भाई यही तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दो।